हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। मैं हूं शैलेश, आपका स्वागत है मेरे चैनल शैलेश ब्लॉग में। दोस्तों अभी यार निकल चुके हैं कहीं बहुत दूर, आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। बहुत अच्छी जगह पे हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि हमने घर से इंट्रो नहीं दिया था। रास्ते में आके आधा पहुँच चुके हैं हम लोग, आधे पर इंट्रो दे रहे हैं। तो बताइएगा आपको कैसे लगता है आगे वीडियो में। सामने का दृश्य कुछ ऐसा ही है, पहुंचते ही आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। पहले तो आगे जो है यहाँ पे जूता चप्पल और बैग जमा कराया जाता है, इसके बाद आप आगे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एलईडी टीवी लगी हुई है जो बाहर का दृश्य आपको दिखाती है। तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट अंदर गेट से होते हुए हम लोग टहलने आ गए, घूम के अभी इस तरफ जाएंगे। हम और आशीष ऐसे ही टहल रहे हैं। आशीष हो गए पीछे, आशीष सामने आओ। दोस्तों इतनी सुंदर जगह, हम तीसरी या चौथी बार, हम आशीष फर्स्ट टाइम आए थे तो तब लॉकडाउन चल रहा था, फिर दूसरी बार आए हैं यहाँ पे, चौथी बार हो चुका। मैं एक बार अपने कोचिंग तरफ से आया था तो इतना सुंदर, ये पहले नहीं खुला था ये वाली जगह जहाँ आपको अभी हम ले चल रहे हैं। इस वाली जगह पहले नहीं खुली थी, अब खुल गई। देखिए कितना भव्य लग रहा है, इतना गजब का सीन लग रहा है, कसम से कहें सुंदर, एकदम स्वर्ग समझिए, स्वर्ग। कृष्ण जी वैसे भी जहाँ रहते हैं सब स्वर्ग ही है। गाड़ी से देखिए बाल कैसे हो गए हैं, बाइक से आए, बाइक से एकदम हवा हवा, हम पूरा एकदम हेलमेट तो लिए थे लेकिन आशीष लगाए थे हेलमेट, क्योंकि हम पीछे बैठे थे तो हेलमेट से पूरा एकदम, हेलमेट लगा नहीं था, एकदम पूरा बाल बेकार हो गया है। ये वाली सीन आप सब देख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी सीन है। यहाँ से देखिए एकदम हालत हो चुकी खराब, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं यहाँ पे सिनेमैटिक सीन्स लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इतनी भीड़ है भाई साहब पूछो मत। आप देख सकते हैं भीड़ में ये हो गया है कि हम समझिए यहाँ पे एक सिनेमैटिक सीन्स नहीं ले पा रहे, कोई भी सीन सिनेमैटिक छोड़ दिए आप, कोई भी सीन यहाँ से पीछे नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी भव्य लाइन लगी हुई है। वहाँ से लगाइए ऐसे होते हुए देख सकते हैं आप मेरे पीछे, देखिए यहाँ से वहाँ से यहाँ तक कितनी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे भी। दोस्तों आप देखिए इतनी सुंदर ये वाली सीन, ये कौन सी जगह है आशीष? नहीं सीन सीन सीन, ये जो पानी गिर रहा है कहाँ वाली सीन है? कॉपीराइट आएगा इस पे। इस पे इधर इधर बोलिए, अब देखिए बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं, फ्रंट कैमरे से अगर क्लियर नहीं आ रहा होगा तो बैक कैमरे से देखिए।
इसी सीन का वेट करके हम आए थे नाइट में दोस्तों घर में। तो हम लोग अभी काफ़ी देर यहाँ पे शूट कर चुके हैं, अब चल रहे हैं फ्रंट की साइड। फ्रंट की साइड का नज़ारा देखते हैं। आशीष लो यार चश्मा कम साफ दिख रहा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग चश्मा कैसे लग रहा था। हमको लग अच्छा नहीं लग रहा था तो आपको लोगों कैसे अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं पूरा सीन। पीछे ये यही देखने के लिए हम आए थे, और वैसे भी हमारे घर से पड़ता है दोस्तों 100 किलोमीटर दूर, 110 क्या, तो 110 किलोमीटर दूर हम लोग आए यहाँ पे फाइनली ब्लॉग बनाने के लिए। फाइनली ब्लॉग आप लोगों के लिए हम ब्लॉग बनाने के लिए आ गए इतनी दूर, सोचिए। तो अभी आप लोगों का फ्रंट साइड से दिखा रहे हैं, फ्रंट की साइड। अभी हम लोग आ चुके हैं फ्रंट की साइड पे, फ्रंट की साइड का आपको दिखाते हैं फ्रंट का लुक। हो गई नाइट, नाइट में कैमरा असल में लाइट हो रही है टच, तो थोड़ा सा दिखा रहा है। अब देखिए तो दोस्तों देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना बहुत ही भव्य नज़ारा है। आप देखिए आशीष कैसा लगा तुमको यहाँ पे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पे आके देखो आशीष कह रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा इसको। वैसे भी आप भी आएंगे तो यहाँ से दिल खुश हो ही जाएगा, इतनी सुंदर यहाँ की तस्वीरें हैं। आप मंदिर भी इतना सुंदर बना, ये पीछे जो मेरे है कृपालू जी महाराज का मंदिर है, और इधर जो है ये इधर होते हुए इधर आ गए हम लोग, ये कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। कृष्ण जी वाला मंदिर जो पीछे जल रहा है ये कृष्ण जी का मंदिर है, और यहाँ पे जो है कृपालू जी महाराज का मंदिर है। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको लेके चलते अंदर भी, अंदर की पूरी आपको वीडियो दिखाते, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी।
गया ब्लॉग शूट, रात के बज गए अभी 8 बज गए, इसलिए मेरा घर अभी यहाँ से है 100 किलोमीटर दूर, तो 100 किलोमीटर दूर जाने में मुझे होगी अभी यहाँ से दिक्कत, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो को प्यार मिला अच्छा खासा, तो अभी नेक्स्ट डे हम आएंगे इस वीडियो को पूरा करने के लिए, और भी आपको दिखाएंगे पूरी सेंस, क्योंकि ये वीडियो हो गई लंबी। पीछे देखिए ये नज़ारा, देख के जाने का तो दिल नहीं करता है, बट क्या करें, अब यहाँ से घर है 110 किलोमीटर, इसलिए घर दूर है, तो मुझे 8 दिन अभी लग जाएंगे, करीबन 11 बज जाएंगे मुझे घर पहुँचने में। तो आप सबके लिए मैं ये नाइट सीन दिखाने के लिए आया इतनी दूर। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं इंस्टाग्राम लिंक अपना नीचे डाल दूंगा, फेसबुक पेज भी नीचे लिंक डाल दूंगा, आप फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए दोस्तों। धन्यवाद। सो गाइस, अभी हम लोग का हो गया ब्लॉग पूरा शूट, और रात के बज चुके हैं 8:10, क्योंकि पूरा अभी हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब मंदिर होगा बंद, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों का आए हुए, बहुत टाइम हो चुका है, 3 घंटे हो गए होंगे, हाँ आराम से 3 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए तो लाइटें वाइटें की जा रही हैं बंद मंदिर की, क्योंकि बिजली बचत अनिवार्य है, और हम लोग चल रहे हैं अभी आगे जो है सूट जहाँ पे है, तो देखिए पीछे भाई लोग हाय कर रहे हैं, बस भाई बस 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 भाई लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत सही। चलिए भाई के हम बहुत बड़े फैन हैं, फॉलो करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, भाई को आगे मंजिल तक पहुंचाओ, हमें बहुत दिनों बाद भाई मिले हैं, भाई का बहुत। अभी अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, हो गया है काफी टाइम, तो आशीष देखिए कितना तेज, भाई घर ही जाएंगे भाई, 60 किलोमीटर भाई, उधर 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 आशीष, फोटो निकलवाओगे? भैया, भैया, इधर आना। तो देखिए सामने से आशीष चल रहा है, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशीष भाई मजा आया? बहुत ज्यादा थक गए हैं अभी हम लोग, फाइनली हम लोग अभी तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गेट पे, तो आशीष के साथ। आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइए जरूर प्लीज। वीडियो आशीष भाई बोल रहे हैं, वीडियो कैसा लगा आपको? आशीष तो दूर ही चले गए, हम पकड़ रहे हैं आशीष कहाँ गए, तो बताना जरूर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब गेट पे, अब हो जाएंगे यहाँ से एग्जिट। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है।